हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, कहीं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना पोस्ट समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद आपको रील्स अपलोड करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रील का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर सिंपली से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं तो आप अपने कैमरे से भी यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ कैमरे से नहीं बनाना है। मैं यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं अपना मोबाइल का जो वॉल्यूम है उसे कम कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली से यहाँ से हमको एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। हम पूरा प्रोसेसिंग होने तक यहाँ पे वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सिंपली से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से हमें ये वीडियो दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से आप बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इसे म्यूजिक कैमरा ऑडियो को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें म्यूजिक पहले से है तो हमें ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, तो मुझे वॉइस ओवर भी करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं टेक्स्ट करने के, ड्राइंग करने के, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट ए कैप्शन, आपको यहाँ पे कैप्शन लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सुशांत सिंह राजपूत। ये लिखने के बाद यहाँ पे हम कुछ और भी लिख देंगे ताकि ये देखने में थोड़ा स्टाइलिश लगे। तो यहाँ सबसे पहले हम RIP लगा देते हैं। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, यहाँ पे हम एक इमोजी भी लगा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक इमोजी लगा देते हैं, ये हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो कैप्शन है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको कवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक अच्छा सा कवर सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक कवर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोरी का आपको भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आपको इसे स्टोरी पे नहीं लगाना है। उसके बाद रील्स पे आपको सिंपली से क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ ऑल्सो शेयर टू फीड, तो इसे आपको ऑफ कर देना है। जी हाँ फ्रेंड, इसको ऑफ करने से क्या होगा कि अगर ये ऑन रहता है तो आपका जो वीडियो इंस्टाग्राम क्या करता है, ये दो जगह पे मतलब आपका वीडियो को शेयर करता है, जिसके कारण से बूस्ट होने में थोड़ा परेशानी होती है। इसलिए आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो आपका जो वीडियो है वो वायरल हो जाएगा और आपका वीडियो में व्यू भी आने लगेंगे। तो इस तरह से शेयर टू रील्स में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोड हो रहा है। तो इसी प्रकार से सिंपल तरीके से आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।